हेलो बच्चों, क्लास PP1 सब्जेक्ट है जनरल कन्वर्सेशन। ठीक है, जनरल कन्वर्सेशन में आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू। आप लोग वीडियो वॉच करते रहिए। ठीक है, हाउ आर यू मींस आप कैसे हैं। हाउ आर यू आंसर क्या देंगे? हमने आपसे क्वेश्चन किया हाउ आर यू, तो आप आंसर क्या देंगे बच्चे? आंसर क्या देंगे आप लोग? आई एम फाइन हाउ आर यू। आप कैसे हैं? तो आंसर आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, हाउ आर यू आंसर आई एम फाइन। हाउ आर यू आप कैसे हैं? आंसर गिव मी आंसर, आई एम फाइन मैं ठीक हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ योर नेम मीन्स होता है तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज़ योर नेम, तो आप लोग को अपना नाम बताना है, तो आप कैसे नाम बताएंगे? माई नेम इज़। अगर आपका नाम ज्योतिर्मय साहू है तो ज्योतिर्मय साहू बोलेंगे, याशिका कुलदीप है तो याशिका कुलदीप, हर्षित यादव है तो हर्षित यादव। आप लोग का जो भी नाम है वो आप लोग यहाँ पर कहेंगे। माई नेम इज़ आपका नाम, जो भी नाम है वो आप बोलेंगे। मैं आप लोग को क्वेश्चन करूँगी या कोई भी आप लोग से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप आंसर क्या देंगे? माई नेम इज़, अपना नाम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। मदर्स मीन्स होता है मम्मी, है ना। मदर्स मीन्स होता है मम्मी। मम्मी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मदर। तो यहाँ पे आपको अपने मम्मी का नाम बताना है। व्हाट इज योर मदर्स नेम आंसर, माई मदर्स नेम इज़ अपने मम्मी का नाम बताना है यहाँ पे। ठीक है, माई मदर्स नेम इज़ आपकी मम्मी का क्या नाम है? जल्दी बोलिए, वीडियो वॉच कीजिए और बोलिए जो भी नाम है। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज़ अपनी मम्मी का नाम बोलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। फादर मीन्स होता है पापा। पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम आपकी पापा का क्या नाम है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? माई फादर्स नेम इज़ आपके पापा का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। फादर मीन्स होता है पापा, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? अपने पापा का नाम बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम आंसर, माई फादर्स नेम इज़ अपने पापा का नाम बोलिए। ठीक है, वीडियो वॉच कीजिए और पापा का नाम बोलना। ठीक है, बोल दीजिए माई फादर्स नेम इज़ अपने पापा का नाम बोलना। ठीक है, हु आर यू आप कौन हैं? ठीक है, हु आर यू आंसर क्या देंगे? आई एम अ बॉय। अगर हाँ, देखिए यहाँ पर हु आर यू आप कौन हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हु आर यू, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, हु आर यू, तो आंसर क्या देंगे? आई एम अ, अगर आप लड़के हैं तो लड़के को क्या कहते हैं? बॉय। लड़के को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बॉय। और अगर आप गर्ल हैं, ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्ल। लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉय। लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉय। एंड लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्ल। ठीक है, तो हु आर यू आप कौन हैं, आंसर क्या देंगे आप लोग? आई एम अ अगर बॉय है तो बॉय, अगर गर्ल है तो गर्ल। ठीक है, हु आर यू, आई एम अ बॉय है तो बॉय कहेंगे, गर्ल है तो गर्ल। ठीक है, आई एम अ बॉय या
गर्ल, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं हम, ध्यान देना, ठीक है। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आंसर क्या देंगे, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज योर नेम, आंसर क्या देंगे, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वो आप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज योर मदर्स नेम, मदर मीन्स होता है मम्मी, मदर मीन्स होता है मम्मी, तो व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो आंसर क्या देंगे, माय मदर्स नेम इज, जो भी नाम है वो आप कहेंगे, अपनी मम्मी का जो भी नाम है वो कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो फादर्स मीन्स क्या होता है, पापा, मदर्स मीन्स मम्मी, फादर्स मीन्स पापा, ठीक है। व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो माई मदर्स, हाँ, व्हाट इज योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज, जो भी नाम है आप मम्मी का वो कहेंगे, और व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो फादर मीन्स होता है पापा, तो यहाँ पे माई फादर्स नेम इज, जो भी आपके पापा का नाम है वो आप कहेंगे, ठीक है। हु आर यू, क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु आर यू, आप कौन है, तो आई एम आ, अगर बॉय है तो, अगर लड़के हैं तो बॉय कहेंगे, और लड़की है तो क्या कहेंगे, गर्ल। बॉय मीन्स, लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉय, और लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गर्ल। हु आर यू, आई एम अ बॉय या गर्ल, ठीक है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इस क्वेश्चन आंसर को आप बच्चों को घर पर बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोग बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और बच्चों को आंसर देने कहिएगा, ठीक है।